आई होप करती हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे। ये आज की रेसिपी है डोसे की और इडली की। तो मैंने बनाया है कम प्राइस में और अच्छे से मैंने ये रेसिपी स्टार्ट करना है। चलिए आइए फ्रेंड्स, हमने दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इसे बनाया है। ये देखिए इतनी सॉफ्टली बनी है और ये मेरे चीला है डोसा, जो कि जितना सॉफ्टली बना है ये। तो इस तरीके से हमने, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर उस तरीके से आप बनाते हो तो ये बहुत ही इजीली और शॉर्टकट में बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। डोसा बनाना है, डोसा बनाने के लिए राइस है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है और बहुत सस्ते दामों में मिलता है। ये 15 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो ये बहुत ईजीली और कम खर्च में ये डोसे बन के तैयार हो सकते हैं। तो ये है 2 किलो राइस है और ये 1.25 किलो मैंने इसमें कोलम राइस मिक्स किया है। कोलम कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे 1.25 किलो इसमें ऐड करना है। 1.25 किलो इसे ऐड कर दिए आपने, तो इसके बाद में इसे भिगोना है। धोने के बाद में इसको धोकर भिगोना है। और ये है हमारे उड़द की दाल, ये है 200 ग्राम 1.25 किलो है ये, ठीक है। ये 1.25 किलो दाल है उड़द की, हमें इसे भी भिगोना है। और ये है 200 ग्राम मेरा पवे, इसमें एक्चुअली ज़्यादा करके इसमें चावल भी डालते हैं पके हुए, जो कि मैं चावल नहीं डालना चाहूँगी, मैं डालना चाहूँगी पवे कि इसमें सॉफ्टनेस आ सके। तो ये सॉफ्ट के लिए मैंने ये पवे लिए हैं। सो इसे हमें तीनों को भिगोना है, धोकर अच्छी साफ सुथरी से हमें इसे भिगोना है। और इसमें हम ऐड करेंगे ये मेथी दाने। मेथी दाने हमें कब भिगोनी है मैं आपको बता दिया है। 2 किलो राइस को हमने, 2 किलो और 1.25 किलो हमने कोलम राइस लिए थे, जो कि हमने इसे मिलाकर अच्छे से भिगो दिए। ऐसे नहीं कि इसमें पानी ज़्यादा हो कम हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे पानी को फेंकना है। सो ये है हमारी उड़द की दाल, इसे भी हमने अलग भिगोया है, अलग ही भिगोना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी फूलता है और फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए हमने अलग अलग भिगोया है। और हमने 1 चम्मच 1.5 चम्मच हमें मेथी दाने इसी में ऐड करना है। ये 1 चम्मच डाला मैंने और ये 1/2 चम्मच मैंने मेथी दाना इसमें डाल दिए हैं। सो ये हो गए हमारे पवे, ये हमने पवा भी भिगो दिया है, ये भी फूल कर ऊपर तक आ जाएंगे, जो कि ये थोड़ा सॉफ्ट देते हैं। ये एक हिसाब से इडली भी बन जाएगी इसमें और चीले भी बन जाएंगे और इतने सॉफ्टली बनेंगे। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाना चाहोगे ना तो बहुत ही अच्छे से और खूबसूरत बहुत अच्छे से ये बन जाएगा, जैसे सॉफ्टली बन जाएगा। चावल की ये 2 किलो है तो इसके हिसाब से ये कितने जन खा सकते हैं, 25 से 30 लोग इसे खा सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में अगर बनाते हो तो 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे के बाद में हमारा ये सब भीग चुका है, चावल भीग चुके हैं, उड़द की दाल भीग चुकी है और ये मेरे पोहे भीग चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसे तीनों को मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद में इसे पीस लेना है, बारीक सा पीस लेना है। इसे मिक्सर में पीसिए, इसे पीस लेना है। ये मैंने पीसने के लिए रखा है मेरी मशीन पे, ये मेरे पास मशीन लिया था मैंने, तो इसमें मैंने पीसने के लिए आधा अभी पीसूंगी, आधा बाद में पीसूंगी, ठीक है। और अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जग से आप 3 बार 6 राउंड में ये इतना बड़ा मिक्सर पीसने में हो जाएगा। तो ये 3 बार पीसेंगे, 3-3 बार करके 6 राउंड करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप चलाते हो तो मिक्सर ख़राब होने का टेंशन रहता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप 3 राउंड घुमाओगे तो 3 राउंड घुमाने के बाद में इसको तुम रोक दोगे, आधे घंटे के लिए रोक दोगे, फिर उसके बाद में फिर 3 राउंड फिर आप घुमाओगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा बैटर मशीन में भी रेडी हो जाएगा। मेरे पास ये मशीन थी इसीलिए मैंने इसमें पीसा। ये हो गया मेरा बैटर रेडी, देखिए कितना बारीक हुआ है ये, इतना बारीक हमें ये चाहिए होगा। तो ये मैंने बना लिया और इतना डिस्टेंस रखकर ही बैटर को रखना, क्योंकि ये ओवरनाइट रखना है हमें तो ये फुलकर ऊपर तक आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस इतना नहीं रखना है, इतना छोड़कर ही रखना है। और प्लेट ऐसा ढाके, ऐसा बिल्कुल ना ढाके, अगर ऐसा ढकते हैं तो प्लेट ऐसे फूल कर नीचे बैटर पूरा गिर जाएगा। तो इसे हमें ऐसा ढककर
रखना है ओवरनाइट तक। अब ये चलिए आइए फ्रेंड्स, ये ओवरनाइट भीग चुका है, इसे हम खोलकर देखते हैं। देखिए कितना फूलकर ऊपर आ चुका है ये। मैंने इसीलिए बोला था कि थोड़ा डिस्टेंस हमें रखकर इसे चलना है, तो ये पूरा फूल गया है। तो हमें अभी इतने आटे की ज़रूरत नहीं है, सो मैंने इसको आधा थैली में रखकर स्टोर करना है। तो इसे फ्रिज में ना रखे, फ्रीज़र में रखे। फ्रीज़र में रखने से ये 2 से 3-4 दिन के बीच में भी अगर आप निकालते हो उसको, तो आधे घंटे के बाद में, आधा एक घंटे के बाद में तुम उसको डोसा बना सकते हो अगर फ्रीज़र में रखते हो। ये देखिए, ये मैंने आधा इसमें निकाल दिए हैं और आधा ये मैंने थैली में निकाल दी। इसको स्टोर करना है। और इसमें ये थोड़ा थिकनेस है, ये थिकनेस के लिए हमने आधा कप पानी ऐड किया है इसमें। और ये है सोडा, जो कि मैं थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आधा चम्मच से भी कम है, तो ये इतना सोडा मैंने डाल दिए हैं। और ये है 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच ये है और ये 2 चम्मच नमक है, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लें और फिर डोसा बनाने खड़े हो जाएं। ये मैंने तेल से ग्रीस करके रखा है इसको, बटर पेपर लगाकर ये ऐसा लिटाकर इसमें डालें, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा बिल्कुल ना डाले, ऐसा लिटाकर इसको डाले तो ये बराबर डीप होकर अंदर से बैठ जाएगी इडली आपकी। ये ऐसा डालें और ये मैंने रख दिया इसके अंदर। और इसको एक और है, चलिए आइए फ्रेंड्स, ये मैंने डोसा डाल दिए हैं। डोसे के ऊपर हमने थोड़ा सा तेल ऐड करना है ऐसा, ये हमने थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। तो ये अभी मेरा डोसा रेडी हो जाएगा और इडली ऑलमोस्ट हो चुकी है। इडली के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रही मेरी इडली। और इडली का मेजरमेंट आपको देखना है तो इस तरीके से देखें, ये इडली हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हमने इसे निकालना है। चलिए आइए फ्रेंड्स, मैं चटनी की मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये 1/2 किलो छिलेली दाल है, छिलेली दाल है ये, और 10 से 12 हरी मिर्चियाँ हैं और आधा वाटी नारियल है। सो मैंने अभी ये 2 चम्मच मैंने लहसुन डालना है, ये 2 चम्मच मैंने लहसुन डाल दिए इसमें। और थोड़े पुदीने के पत्ते डालना है हमने, ये थोड़े से पुदीने के पत्ते हमने डाल दिए। इसे आइए हम पीसते हैं। ये चटनी हमारी पीस गई है, जो कि ये बहुत थिक है, तो इसमें मैंने पानी डालना है, बघार लेते हैं। ये मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल डालने के बाद हमने ये कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं और 2 चम्मच हमने राई लेना है, छोटे चम्मच से, ये छोटे स्पून से हमने 2 चम्मच राई लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा बघार रेडी। सो हमने इसमें, आइए फ्रेंड्स अभी आपको बताती हूँ सांभर का बघार तड़का। चलिए आइए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं सांभर। सांभर के लिए हमने चाहिए होगा ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये मीठा कद्दू है, ये सिंगट की फली है, और ये बैंगन है, 3 बैंगन है, और ये गुड़ है, हमने इसी भी साथ में उबाल लेना है। और ये है इमली, इमली का, और इसको पानी में घोल लें, घोल के इसका पल्स निकाल लें और इसे भी दाल में ऐड कर दें। और गुड़ तो ये वेजिटेबल्स में ही पका लें, क्योंकि ये गुड़ है जो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे उबालना है अलग से। ये है मेरा उबालने के लिए, ये हमारे वेजिटेबल्स हो गए। ये हमने 1 कप पानी डाल दिया इसमें, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि दाल में भी पानी होगा, इसीलिए। दाल की मेजरमेंट आपको अभी बता देती हूँ। ये 1/2 किलो तुअर की दाल है, इसमें 8 से 10 हमें टमाटो डालना है और इसे अलग उबालना है, इसे अलग, ये दोनों चीज़ को अलग से नमक डालकर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और इसको डालकर इसे अलग से उबाल लें। और ये वेजिटेबल हमें अलग उबालना है, ठीक है। ये हो गया मेरी दाल सांभर। सांभर में मैंने ये अलग से बॉईल किया हुआ था वेजिटेबल्स, इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं सारे मसाले। आइए अब आपको मैं तड़के का बताती हूँ। जैसे कि मैंने ये 3 चम्मच ऑयल डाल दिए है तपेली में, तो और अभी मसाले बताती हूँ, ठीक है। ये हमने मिर्ची का पाउडर है, ये 2 चम्मच डालना है क्योंकि हमने उसमें नहीं डाले थे मिर्ची। और ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और ये आधा चम्मच मैंने हल्दी दिए है, ठीक है, हल्दी डालना है। और ये है सांभर मसाला,
जो कि मुझे सांभर मसाला 2 चम्मच डालना है। ठीक है, इसका पेस्ट बना लेंगे। और तड़के के लिए हमने 2 चम्मच राई डालना है, 2 चम्मच राई डाला मैंने और 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडी। अब तो हमने बघार डालना है। पहले ये बघार डाल दिया मैंने, बघार थोड़ा लाल हो जाए फिर हमने ये डालना है जो हमने सूखे मसाले दिखाए हैं वो पेस्ट बना लिए थे। सूखे ना डालें, सूखे डालने से जलने का डर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा गीला करके इसको डाल दें और 2 मिनट के लिए इसे 2 मिनट के लिए इसे भून लें। ऐसा भूनने के बाद में इसे, ये हो गया मसाला 2 मिनट रेडी। अब में हमें ये मसाला ये डालना है सांभर का। ये हमारा हो गया सांभर रेडी, सांभर और चटनी की। सो मैंने ये सांभर बना दिए हैं और ये मैंने चटनी बनाई हूँ। और इसको किस तरीके